राजकुमार बयाया और उसका जादुई घोड़ा। एक बार की बात है, एक सुदूर प्रदेश में एक शांतिमय राज्य की रानी ने जुड़वां लड़कों को जन्म दिया। दरबार के लिए एक बहुत ही जश्न का समय था। राजा अभी भी बाहर था लड़ाई में जूझता हुआ, पर खबर तेजी से फैल गई। जैसे जैसे ये लड़के बड़े होते गए, जुड़वों में से पहलौठा थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और ज्यादातर बाहर ही खेलता जितना हो सकता। दूसरी ओर उसका भाई घर के अंदर ही खेलना पसंद करता था, हमेशा अपनी माँ का पल्लू पकड़कर, और तभी बाहर जाता जब रानी के साथ वो बाग में जाता। इसी कारण छोटा वाला रानी का चहेता बन गया था। प्रिय, इनमें से बड़ा कौन है? रानी जानती थी कि वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहलौठा ही राजगद्दी का वारिस होता है। ठीक है, फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अगले राजा बनोगे। बिल ये सुनकर हैरान हुआ कि उसका भाई भावी राजा बनेगा। उसने अपना हृदय अपने घोड़े के सामने खोल दिया। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और नए नए तजुर्बे हासिल करना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर तंग आ चुका हूँ कि मेरा भाई राजा बनेगा। और तभी घोड़ा बोला, जो देखकर उसे हैरानी हुई। क्योंकि तुम घर पर खुश नहीं हो तो क्यों नहीं बाहर दुनिया में जाते? वो छोटा घोड़ा इंसानी आवाज में बोल रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि तुम बोल सकते हो? तुम मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारी दोस्त और सलाहकार बनी रहूंगी जब तक तुम मेरी आज्ञा मानते रहोगे, पर अपने पिता की आज्ञा के बिना मत जाओ। अपने साथ किसी को ना लेकर जाना और सिवाय किसी मेरे और घोड़े पर मत चढ़ना। मैं वादा करता हूँ। राजकुमार ने राजा से विनती की और आग्रह किया, पर वो अपने बेटे को जाने देने के लिए राजी नहीं था। वो इस बात पर सहमत नहीं था कि उसे जाने दिया जाए। रानी द्वारा जोर दिए जाने के बाद राजा मान गया, पर राजा अभी भी चाहता था कि वो कुछ इस तरह से आगे बढ़े जो उसके पदवी के अनुसार हो, और सिपाहियों और घोड़ों की एक पलटन के साथ। मुझे इस तरह के अंगरक्षकों की क्या जरूरत है? मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मैं अपने ही घोड़े पर सवार होकर चला जाऊंगा। फिर से राजकुमार को बहस करनी पड़ी, विनती करनी पड़ी, और अंत में जाकर वो ये सब पाने में सफल हुए जो उन्हें चाहिए था। कृपया एक साल के भीतर ही वापस आने का वादा करो या अपने पते ठिकाने की खबर भेजते रहना। मैं यही करूंगा। माँ, सबको अलविदा। नन्हा घोड़ा एक आश्चर्यजनक रफ्तार से रवाना हो गया, जैसे वो एक अनुभवी घोड़ा हो, पर ये कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उस पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं था। उसकी चमड़ी मुलायम थी, उसकी टांगे मजबूत थी। चाहे उसने कितनी भी दूर की यात्रा की हो, वो हमेशा तरोताजा और फुर्तीला रहता था। चलो उस शहर में चलते हैं। हम जाएंगे। अकेले जाओगे उस गरीबी शहर में और ये दिखावा करोगे कि तुम गूंगे हो। गूंगा? क्या मैं एक सुंदर अजनबी नहीं बन सकता? तुम्हें कभी स्वयं को धोखा नहीं देना चाहिए। खुद को राजा के सामने पेश करो ताकि वो तुम्हें अपनी सेवा में ले ले। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस चट्टान पर आना, तीन बार खटखटाना और ये खुल जाएगी। ठीक है, मैं खुद का भेष बदल लूंगा। राजकुमार ने स्वयं को राजा के सामने प्रस्तुत किया। उसने स्वयं को इस रूप में पेश किया, उसकी अपनी एक आंख पर पट्टी बांधकर और अपने चेहरे को पीला और सूझा हुआ बनाकर। राजा इस दयनीय राजकुमार की ओर हमदर्दी से देखने लगा। राजा ने उसके यौवन और गूंगेपन पर हमदर्दी दिखाई और उसे अपनी सेवा में रख लिया। राजकुमार ने यह साबित कर दिया कि वो बहुत कर्मठ है। ज्यादा समय नहीं बीता था कि राजा ने उसे पूरे घराने की व्यवस्था सौंप दी। वो नौकरानियों से बात करता और राजा को अपनी सलाह देता। वो किले में तेजी से घूमता रहता, एक काम से दूसरे काम पर जाते हुए। हर कोई उसे पसंद करता और जल्दी ही वो उसे बयाया के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि वही वो आवाज निकालता था। बयाया। राजा की तीन बेटियां थी, हर दूसरी से और ज्यादा सुंदर थी।
स्टोबिना जो सबसे बड़ी थी, बुदिंका और स्लवीना जो सबसे छोटी थी। राजकुमार को उनके साथ रहना बहुत पसंद था क्योंकि उसे गूंगेपन और बदसूरत रूप में रहना था। राजा ने उसका उनके साथ समय बिताने पर कोई एतराज नहीं किया। वो उसे पसंद करती थी और हमेशा जहां जाती उसे साथ ले जाती, और वो भी उसे पसंद करता था, पर वो सबसे अधिक छोटी स्लवीना को पसंद करता था। हर काम जो वो करता उसके लिए करता और उसे बेहतर तरीके से करता। वो हार जो वो बनाता वो ज्यादा खूबसूरत होता। स्टोबिना और बुदिंका स्लवीना को चिढ़ाती, पर वो इन मजाकों का बुरा नहीं मानती और ना ही बयाया के उस खास ध्यान का। एक दिन बयाया ने देखा कि राजा उदास लग रहा है और एक फूहड़ सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करके उसने राजा से पूछा, क्या ये मुमकिन है कि मेरे बच्चे, कि तुम्हें पता है उस दुस्वप्न का जिसका खतरा हम सब पर बना है? कई साल पहले तीन ड्रैगन हवा में उड़ते आए और पास ही एक बहुत बड़ी चट्टान पर आकर उतरे। पहले वाले के 9 सिर थे, दूसरे वाले के 18 सिर और तीसरा 27 सिर वाला था। उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। पशु और मवेशियों को खा खा कर ड्रैगन्स ने शहर पर हमला किया, हर चीज को जलाते हुए। उन्हें खुश करने के लिए हमने अपना सारा भोजन उनके लिए रख दिया शहर के फाटक से बाहर, पर जल्दी ही हम सब भूखे मरने लगे। इस निराशा में घिरे हुए हमने एक बूढ़ी विद्वान औरत को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या कोई तरीका है इन दरिंदों को इस देश से बाहर खदेड़ने का। अफसोस, एक तरीका था कि मैं उन ड्रैगन को अपनी तीनों खूबसूरत बेटियां देने का वादा करूं उनके बड़े होने पर। उस समय मेरी बेटियां छोटी बच्चियां थीं, तो अपनी विपदा में पड़े हुए देश को बचाने के लिए मैंने उन ड्रैगन्स को अपनी बेटियां देने का वादा किया। मेरी बेचारी रानी इसी दुख के कारण मर गई। मेरी बेटियां बड़ी हुई पर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। एक बार जब मैंने सौदा कर लिया तो ड्रैगन्स उड़कर चले गए और कल तक कभी भी हमने उनके बारे में नहीं सुना था। पिछली रात तक ये खबर मिली कि ड्रैगन्स फिर आकर अपनी पुरानी चट्टान पर बस गए हैं और वो बहुत ही डरावनी दहाड़े निकाल रहे हैं। तो कल मुझे अपनी सबसे बड़ी संतान की कुर्बानी देनी होगी, परसों अपनी दूसरी की और फिर अपनी सबसे छोटी वाली की। फिर मैं रह जाऊंगा एक बेचारा तन्हा बूढ़ा जिसके पास कुछ नहीं बचा होगा। बयाया ने ड्रैगन और राजा की बेटियों की कहानी सुनाई। मुझे पता है, इसीलिए कि तुम राजकुमारियों को बचा सको मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारे भाग्य में है। कल सुबह तुम वापस आना और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। ओह धन्यवाद नन्हे घोड़े। बयाया इतनी खुशी से भर गया था कि उसे अपना चेहरा छुपाना पड़ा कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। मेरी नाद के नीचे का पत्थर उठाना और जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे निकालना। ये तीनों सूट्स तुम्हारे लिए हैं, पर आज लाल वाला पहनना। पर मैं एक योद्धा नहीं हूँ। बिल्कुल मत डरना। बहादुरी से दरिंदे पर वार करना, अपनी तलवार पर भरोसा करना और याद रखना मुझसे नीचे मत उतरना। पिताजी के पास जाना चाहिए इसी वक्त, उन्हें इस बात की जानकारी देने के लिए।
कल मेरी बारी है। मैं सोचती हूँ कि क्या ये योद्धा मेरे लिए भी प्रकट होगा। हालांकि इन संभावनाओं ने अभी भी उन्हें भयभीत कर रखा था, आशा उनके पास लौट आई थी। यहाँ तक कि बयाया उन्हें हंसाने में सफल भी हो गया। बयाया खुशी में आसपास नाचने लगा, बाकी दोनों बेटियों को ये तसल्ली दिलाते हुए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बयाया फिर से प्रकट हुआ उस अजनबी योद्धा के रूप में, इस बार सफेद पंख लगाकर, और उसने 18 सिरों वाले ड्रैगन पर धावा बोल दिया और अपनी शूरवीरता के कारनामों से उसे चलता कर दिया। एक और लड़ाई और बयाया के लिए एक और आसान और हैरतअंगेज जीत। तुम बहुत पिछड़ी रही कि तुमने इस बहादुर योद्धा से बात नहीं की। कल अगर वो मुझे छुड़ाता है तो मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगी और तब तक नहीं मानूंगी जब तक वो मेरे साथ महल में आने की हामी नहीं भरता। क्या बात है बयाया? हाँ, कल हम सब मिलकर इस रहस्यमय योद्धा से मिलने जाएंगे। बयाया उन्हें इनकार नहीं कर सका, खासकर जब सलवीना उसके आगे घुटने टेक कर बैठी थी, उसके अंगरखे का एक छोर पकड़कर और उसकी ओर जादू भरी नजरों से देखते हुए। उसका दिल पिघल गया और वो कुछ भी करने को तैयार था जो वो मांगती। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्हें कभी तुम्हारी पहचान का ज्ञान नहीं होना चाहिए। सलवीना और राजा बहुत निराश हो गए क्योंकि उनको बचाने वाला इतनी तेजी से पीछे हट गया था, पर ये जल्दी ही खुशी में बदल गया जब वो सुरक्षित महल में वापस आई। इसके कुछ ही समय बाद एक बहुत शक्तिशाली राजा ने युद्ध की घोषणा की। राजा ने एक न्योता भेजा कि वो राज्य के सभी सरदारों को इकट्ठा करे। बहुत से बहादुर सरदार राजा के सामने खड़े थे। वो आए और राजा ने उनकी मदद के एवज में अपनी तीनों खूबसूरत बेटियों का हाथ विवाह में देने का वादा किया। ये अवश्य ही एक प्रलोभन था और हर उपस्थित सरदारों ने अपनी राजनिष्ठा की शपथ ली और वो जल्दी ही अपने घर लौटे अपनी सेना जुटाने के लिए। सेनाएं सब तरफ से आईं और जल्दी ही राजा युद्ध के लिए जाने को तैयार था। राजा ने अपनी सेना का युद्ध में नेतृत्व किया। राजा ने महल के सारे कामों का जिम्मा बयाया पर सौंप दिया और उस पर अपनी तीन राजकुमारियों की सुरक्षा का भार भी लाद दिया। बयाया ने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया, महल की देखभाल करते हुए और राजकुमारियों का ध्यान दूसरी ओर भटकाए हुए ताकि उन्हें खुश और प्रफुल्लित रख सके। एक दिन उसने बीमार होने की शिकायत की, पर बजाय डॉक्टर की सलाह लेने के उसने कहा कि वो खेतों में जाएगा औषधि वाली जड़ी बूटी को खोजने। राजकुमारियां उसकी सनक पर हंसी, पर उसे जाने दिया। नन्हे घोड़े ने जरा भी समय नहीं गवाया। राजा की सेनाएं कमजोर पड़ गईं और कल उनके भाग्य का फैसला होगा। अपना सफेद सूट पहनो, अपनी तलवार लो और चलो हम कूच करें। बयाया ने दाएं बाएं दुश्मनों पर वार किए और उसने ऐसी तबाही मचाई कि तुरंत ही राजा की सेना में उत्साह आ गया। उस सफेद योद्धा के गिर्द होकर वो लड़े इतनी बहादुरी से कि जल्दी ही शत्रु की कमर टूट गई और राजा को एक बहुत ही शानदार विजय हासिल हुई। कृपया हे शूरवीर योद्धा, मेरे साथ मेरे तंबू में आओ ताकि हम इस जीत का जश्न मना सकें। धन्यवाद महाराज, पर मैं नहीं आ सकता। जब राजकुमारियों ने ये सुना कि अजनबी योद्धा फिर से प्रकट हुआ था और उसने उन्हें जीत दिलाई, तो वो किसी भी सरदार की दुल्हन बनने को राजी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद वो योद्धा वापस आए उनमें से एक की मांग करते हुए। मेरे शूरवीर साथियों, मैंने आपको अपनी बेटियों के हाथ का वादा किया था जिन्होंने युद्ध में मेरी सहायता की थी। आप सबने वीरता पूर्वक मेरा साथ निभाया। आप में से हर एक मेरी बेटियों में से एक के हाथ का हकदार है, पर अफसोस की बात है कि मेरी केवल तीन ही बेटियां हैं। ये फैसला करने के लिए कि तुम में से किन तीन
मेरी बेटियों से शादी करने वाले हैं। मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप में से सब एक कतार में बाग में खड़े हो जाएं और मेरी हर बेटी अपनी बालकनी से सोने का सेब फेंकेगी। फिर जिसके पास सेब लुढ़क कर जाएगा, राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। उस रात एक बहुत बड़ी दावत दी गई, पर स्लवीना अपने कमरे में ही रही। मेहमानों के सामने आने से उसने इनकार कर दिया। नन्हे घोड़े ने अंतिम बार अपने मालिक को लिया। जब वो महल में पहुंचे तो बयाया उतरा। उसने अपने वफादार घोड़े को, दोस्त को चुंबन किया और उसे अलविदा कहा। बयाया आपसे बात करना चाहता है राजकुमारी जी। क्या तुम अपने दूल्हे से इतनी नाराज हो कि तुम उससे छुपकर बैठी हुई हो? तुम मेरे दूल्हे नहीं हो, बयाया ही मेरा दूल्हा है। पर मैं बयाया हूँ। मैं वो अपाहिज हूँ जो तुम्हारे लिए मालाएं बनाता था, वो योद्धा जिसने तुम्हें और तुम्हारी बहनों को बचाया और तुम्हारे पिता की युद्ध में मदद की। देखो, ये है तुम्हारे पिता के कोट का कपड़ा जिससे उन्होंने मेरे जख्मी पैरों को बांधा था। जब ये सब कुछ समझा दिया गया, राजा ने खुशियां मनाई। अतिथि भी हैरान रह गए और स्टुबिना और बुडिंका ने एक दूसरे की ओर देखा ईर्ष्या भरी हैरानी से। शादी के बाद बयाया अपने माता पिता से मिलने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। जब वो अपने शहर पहुंचा, हर कोई उसके लौटने पर बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि बहुत अरसा पहले ही उन्होंने उसे मरा हुआ जानकर भुला दिया था। कुछ समय बाद बयाया उस राज्य का उत्तराधिकारी बना, लंबे समय तक जिया और बहुत समृद्ध हुआ और अपनी पत्नी के साथ असीमित सुख का आनंद लिया।